नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कराची से भारत के लिए निकली दो संदिग्ध नौकाएं, अलर्ट जारी। पीओके में भारत के सर्जिकल हमले के बाद पाक समर्थित आतंकवादियों ने अब नए सिरे से हमले करके बदला लेने की साजिश शुरू कर दी है। इसे लेकर सीमा से लगे भारत के सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं। खबर है कि गुरदासपुर से लगी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कराने के लिए पाकिस्तान ने रात में फायरिंग की थी। मल्टी एजेंसी सेंटर ने कहा है कि पाकिस्तान की कराची से निकली दो संदिग्ध नौकाएं गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने की नरेंद्र मोदी की सराहना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बौखला रहा है, वह विश्व स्तर पर गंदी राजनीति कर रहा है। केजरीवाल ने मोदी जी से अपील की है कि जैसे जमीन पर पाकिस्तान को जवाब दिया, ऐसे ही पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार का जवाब दें। हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। पीओके में आईएसआई और पाक सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली इलाके में पाक सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही थी। प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर बैनर लिए आरिफ शहीद हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे थे। नाराज भीड़ ने कश्मीरियों की हत्यारी, पाकिस्तानी सेना आईएसआई से ज्यादा वफादार कुत्ते जैसे नारे लगाए। चीन को पाक में अपने कर्मचारियों की चिंता। चीन को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काम कर रहे अपने नागरिकों की चिंता सताने लगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बलूच उग्रवादी नेता ने परियोजना पर हमला करने की धमकी दी है। चीन पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की लागत से आर्थिक गलियारा बना रहा है। इसे बनाने में चीन के कार्मिक लगे हुए हैं और वे चीन से पीओके होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गलियारा चीन और पाकिस्तान के नेता सर्वसम्मति से बना रहे हैं। इथोपिया में भगदड़, 52 लोगों की मौत। इथोपिया के ओरोमियो क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह के दौरान हुई भगदड़ में 52 लोगों की मौत हो गई। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विशोफ्तू में धार्मिक उत्सव के लिए लाखों लोग जमा हुए थे, जहां भगदड़ मचने से 52 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।